कि आपने माशाल्लाह से दो अपने मास्टर्स किए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी, तो इसमें आपका शुरू से इंटरेस्ट था या बस वो करते करते हो गए? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से जब मैंने अपना एग्रीकल्चर का एडमिशन लिया तो मुझे एक हॉर्टिकल्चर का शोबा ऐसा लगा जो कि मेरे शौक से काफ़ी रेलिवेंट था, तो फिर मैंने हॉर्टिकल्चर को एज़ अ शौक चूज़ किया। हम हर घर के ऊपर 4 से 5 गमले और 4 से 5 कंटेनर रख के उसमें पौधे लगाएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए और मुनफरद इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनके काम और जिनके एक्शन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो वैसे तो वाकईतन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ये डायरेक्टर हैं PHA के, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन के। आज हम इनसे जानेंगे कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से और अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर के हवाले से तो इसकी डेवलपमेंट में ये पिछले चंद सालों में क्या क्या काम कर चुके हैं, क्योंकि इनकी बेशुमार पब्लिकेशंस भी हैं और इनका प्रैक्टिकल वर्क भी है जो इस सारे काम को सपोर्ट कर रहा है। तो हम इनसे जानेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जलील अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह से दो अपने मास्टर्स किए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी, एग्रीकल्चर में भी, तो इसमें आपका शुरू से इंटरेस्ट था या बस वो करते करते हो गए? जी इस तरह है कि आपकी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया कासिम अली शाह फाउंडेशन जैसे प्लेटफॉर्म पे मुझे आके अपना कोई इजहार करने का। मेरी जो शौक़ था वो हॉर्टिकल्चर पढ़ने का था, मुझे बचपन से फूलों का शौक़ था, पौधों का शौक़ था। तो जब मैंने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से जब मैंने अपना एग्रीकल्चर का एडमिशन लिया तो मुझे एक हॉर्टिकल्चर का शोबा ऐसा लगा जो कि मेरे शौक़ से काफ़ी रेलिवेंट था। तो फिर मैंने हॉर्टिकल्चर को एज़ अ शौक चूज़ किया मेजर, और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज मुझे 19 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। और उसके बाद फिर मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट में अपनी जो स्पेशलाइजेशन की वो इसलिए की पंजाब यूनिवर्सिटी से ताकि मैं अपने फील्ड में क्वालिटी ला सकूँ, उसको किस तरह हम बेहतर कर सकें। सर आपकी प्रोफाइल में एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? अच्छा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1996 में, जापान का एक शहर है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो, उसमें एक बेसिकली कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन्होंने बैठ के ये फैसला किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो दुनिया में ग्लोबल जो एमिशन में जो शेयरिंग है वो बहुत कम है, ज़्यादा जो शेयरिंग है वो अमेरिका की है, चाइना की है, यूरोपियन कंट्रीज़ की है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में और ये जो हमारी क्लाइमेट चेंज पे इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो डिफरेंट ममालिक में, डिफरेंट दुनिया के ममालिक में जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उनको हम किस तरह स्पॉन्सर कर सकते हैं, किस तरह उनको हम हेल्प कर सकते हैं ताकि वो मज़ीद और फैलें। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें पाकिस्तान में भी कुछ प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है डिफरेंट दुनिया के ममालिक में, उसमें वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ये डिफरेंट इदारे हैं जो कि इसको जो है ना वो आप समझ लें कि मॉनिटर करते हैं, इसको स्पॉन्सर करते हैं। तो उसमें मैंने कुछ अपनी मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं और मैंने कुछ उसमें शेयर डाला है अपना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया हुआ है। सर क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्टेशन पे आप काफ़ी काम कर रहे हैं, तो ये मुझे बताएं कि करंटली आप बींग अ डायरेक्टर क्या क्या काम कर रहे हैं और करंट प्रोजेक्ट्स जो अभी आपने पाकिस्तान में अपनी डोमेन में जो शुरू किए हैं वो कौन कौन से हैं? अच्छा, इसमें इस तरह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो PHA है, PHA लाहौर पंजाब के 9 शहरों में काम कर रहा है, उसमें इस तरह है कि हम लोगों की जो ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लगाई है वो ये लगाई है कि आपने डिफरेंट जो फॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव मैकेनिज़म है या समझ लें कि मेथड है उसको मॉनिटर करने का, उसको मिटिगेट करने के लिए, वो फॉरेस्टेशन है, ट्री प्लांटेशन है।
पाकिस्तान में आपको पता है टोटल आबादी जो है वो तकरीबन कुछ 24 करोड़ के करीब हो गई है, और उसमें सिर्फ पंजाब की आबादी आपकी 12.5 करोड़ के करीब है, और जो खाली लाहौर की आबादी है वो तकरीबन आपकी कुछ 1.5 से 2 करोड़ के दरमियान है। और जो खाना शुमारी है लाहौर की, जो सेंसिस लास्ट सेंसिस हुआ था उसके मुताबिक जो सिर्फ लाहौर के घर हैं जो खाना शुमारी है वो 40 लाख के करीब है। तो इस लिहाज से लाहौर एक बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड सिटी बनता जा रहा है, और उसके लिए सिर्फ एक ही हल ऐसा है कि हम अपने शहरों में और अपनी जगह जहाँ पर दरियाओं के साथ, अपने ड्रेन्स के साथ, अपने कब्रिस्तानों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, जहाँ भी हमें ग्रीन जगह मिले हम वहाँ पे फॉरेस्टेशन करें, प्लांटेशन करें। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा महकमा जंगलात और PHA दोनों मिलके इस पर काम कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल में हम लोगों ने 5 करोड़ दरख्त जो है ना वो लाहौर में लगाने का हमारा प्रोग्राम है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी बेशुमार पब्लिकेशंस भी हैं, तो आपने पब्लिकेशन ज़्यादातर किन टॉपिक्स पे किए हैं, और इस वक्त आप क्या समझते हैं? फॉरेस्टेशन तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा हल है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसको मेंटेन करने के हवाले से, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का अगर देखें क्लाइमेट के हवाले से या इसके अलावा सबसे बड़ा इशू क्या है इस वक्त? क्लाइमेट पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट का जो ये 2-3 ममालिक हैं हमारे, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं ये उनमें से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड कंट्रीज़ हैं। मैं कुछ दिन पहले एक रिसर्च पढ़ रहा था कि इस जो रीसेंट हमारी जो टेम्परेचर राइज, और जिसे कहना चाहिए दुनिया में जो टेम्परेचर राइज का जो रेशो जा रहा है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईयर के हिसाब से है, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में ये एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ करने का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में इतना टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा अगले कुछ सालों में। बिल्कुल ठीक। अब आप जब देखें पाकिस्तान में एवरेज टेम्परेचर जो गर्मियों में चला जाता है वो 46 से 50 के दरमियान चला जाता है लाहौर में, और जब अगर आप डेजर्ट्स में चले जाएँ या अंदरून सिंध चले जाएँ तो वहाँ पर 50+ चला जाता है। बिल्कुल ठीक। तो जब आप इसको जब एवरेज इसमें ऐड कर लें 53 और 56 तक जब चला जाएगा तो इसमें नुकसान ये होगा कि हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न है, हमारे यहाँ पर जो बारिशों का निज़ाम है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, उससे यहाँ पर फ्लड्स आना शुरू हो जाएंगे, हैवी रेन्स, जिस तरह लास्ट टाइम आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर अक्टूबर तक बारिशें, शदीद बारिशें हुई हैं लाहौर में, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। इसकी ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा दुबई में जो बारिशें हुई हैं, हालाँकि दुबई इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर रेन्स, लेकिन दुबई में इतनी शदीद बारिशें हुई हैं, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो मेरी जो पब्लिकेशंस हैं वो भी बेसिकली रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग के ऊपर हैं। मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, मैंने रिसाइकलिंग पे काफ़ी काम किया, रिसाइकलिंग ऑफ ग्रीन वेस्ट, क्योंकि आपके शायद नॉलेज में हो कि ये जितनी भी एमिशंस होती हैं जिनको आप ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, GHGs, वो 3 तरह की गैसेज होती हैं, CH4, CO2, मीथेन। बिल्कुल ऐसे उनकी जो रीज़न है, उनकी जो एमिशन है वो ग्रीन्स मटेरियल से होती है। जो अगर आप ग्रीन मटेरियल को डिकम्पोजिशन के लिए वैसे ही फेंक देंगे तो जब वो डिकम्पोज होगा तो उस पर से जो गैसेस निकलेंगी वो क्लाइमेट चेंज में और ग्लोबल वार्मिंग में अपना शेयर डालती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी जो रिसर्च है वो कंपोस्टिंग पर है, और मैंने काफ़ी काम किया कंपोस्टिंग पे, और मेरी पब्लिकेशंस भी हैं इंटरनेशनल लेवल पे। वो सब इसलिए है कि मैंने किस तरह आप उसको ग्रीन वेस्ट को आप डिकम्पोज करें साइंटिफिक तरीके से और उसको एक प्रोडक्टिव जो है ना वो फॉर्म में लेकर आएँ, जिसको आप कंपोस्ट कहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर में बहुत यूज़ होता है। सर, अभी आपने दुबई की बात की, माशाल्लाह वो जैसे इतना डेवलप्ड कह लें कि एरिया है, तो वहाँ पे भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट हुआ, तो क्या रिस्क मैनेजमेंट वहाँ भी ठीक नहीं थी? और पाकिस्तान में आने वाले वक्त में हम आप क्या 2-3 तजावीज़ ऐसी देंगे जिससे हम अपनी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट एक्यूरेटली कर लें और इस पर काम शुरू कर दें? अच्छा, पहली बात ये कि दुबई को कुछ लोग कह रहे हैं कि दुबई इतना डेवलप कर, बेसिकली दुबई, मैंने जैसे पहले बात की, दुबई रेन्स के हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं किया गया था, क्योंकि दुबई बेसिकली एक डेजर्ट फॉर्म था। पाकिस्तान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर तरह का मौसम है, हमारे पास हर तरह का क्लाइमेट है, हमारे पास हर तरह के एरियाज़ है, हिल्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, मैदान भी हैं, सी भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है। लेकिन फिर भी हम लोगों का जो बेसिक प्रॉब्लम है वो फॉरेस्टेशन का है। हमारे पाकिस्तान में जो ग्रीन कवर का एरिया है वो बहुत कम है, ग्रीन कवर हमारे पास ना होने के बराबर है। एक जो रिसर्च है या एक आप समझ लें कि इंटरनेशनल लेवल जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि 25% एरिया जो है आपका किसी भी कंट्री का वो ग्रीन होना चाहिए। हमारे यहाँ पर सिर्फ 4% से लेकर 5% के दरमियान कहीं फॉल करता है जो कि ग्रीन है। बहुत ज़्यादा लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है।
उसमें एक ट्रेंड पिछले दिनों बहुत हमने जो है PHA ने इंट्रोड्यूस करवाया और उस पर काम हो भी रहा है पाकिस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ उसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि लाहौर में ही खाली 40 लाख घर हैं, अगर हम हर घर के ऊपर 4 से 5 गमले और 4 से 5 कंटेनर रख के उसमें पौधे लगाएं तो आपके 40-50 लाख पौधे तो यूं ही तैयार हो जाएंगे। उससे ये होगा, अगर रूफ, उसको आप रूफ टॉप गार्डनिंग कहते हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग। जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दुनिया में जहाँ पर इलाके कम हो रहे हैं, जैसे पेरिस है, पेरिस में अब दुनिया का सबसे बड़ा रूफ टॉप गार्डन उन्होंने बनाया, उसका इतना एरिया है जिसमें 2 फुटबॉल ग्राउंड्स जो है ना वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो दुनिया इस पर आ रही है, उससे आपके 2 मसले हल हो जाएंगे। एक तो आपका फूड सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है, हमें चाहिए कि हम रूफ टॉप गार्डन पे वो चीज़ें लगाएं जैसे टमाटर हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं। दुनिया कर रही है इस पे काम, इंडिया में बहुत काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। PRC है इस्लामाबाद में, NARC है, ये कुछ इदारे हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारी जो घरों की खवातीन हैं इस पे काम कर सकती हैं, बेशुमार ऐसे कंटेनर मिल जाते हैं, डब्बे मिल जाते हैं, आपको गमले मिल जाते हैं, और ये बहुत सस्ते वेजिटेबल सीड्स मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप ये घरों में उगा सकते हैं। उससे ये अच्छा आइडिया, बिल्कुल, उससे 2 चीज़ें आपकी हो जाएंगी। एक तो आपका जो घरों का टेम्परेचर है वो कंट्रोल होगा, सही, जब आप छतों को कवर कर लेंगे ग्रीन चीज़ से, सही, तो जो आपकी जो सन लाइट है वो आपके रूम्स में काम आएगी। और दूसरी बात, आपकी, आपको खालिस चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए, आपको घर की खालिस चीज़ मिलेगी, और आपको इस इन्फ्लेशन के दौर में आपकी जान भी छूट जाएगी महंगी सब्जी लेने से। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जैसे अभी आप प्लांटेशन ड्राइव पे काम कर रहे हैं, आपने बताया आपका एक टारगेट है, इसके अलावा फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आपने PHA के तहत प्लान किए हुए हैं जिनको आपने एग्जीक्यूट करना है, वो बताइएगा। अच्छा, इस तरह है कि हम लोगों को अभी टारगेट मिला था कि हमारे पास लाहौर में एक नर्सरीज हैं कि आप लोगों ने ट्री सैपलिंग्स तैयार करनी है। हम लोगों को टारगेट मिला है कि अगले 5 साल में हम लोगों ने 5 करोड़ ट्री सैपलिंग्स जो है ना वो तैयार करनी है, सीड से और कटिंग से। उस पर PHA काम कर रहा है, हमारे पास 29 नर्सरीज हैं लाहौर में और काफ़ी जगह हैं, पार्क्स हैं, तो हम उसमें डिफरेंट मकामात पर डिफरेंट वराइटीज़। और ये बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ लोकल ट्रीज़ तैयार कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में ये हुआ कि लैंडस्केप के नाम पे और डाइवर्सिटी के नाम पर बहुत सारी ऐसी वराइटीज़, ऐसे ट्रीज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दिए गए जिसका पाकिस्तान से, पाकिस्तान के क्लाइमेट से कोई ताल्लुक नहीं था। और उन्होंने जैसे एक बड़ा मशहूर ज़माना ट्री आजकल हुआ हुआ है, लोग उसको बड़ा जो है ना वो डिसलाइक भी करते हैं, कोनोकार्पस, दैट इज़ नॉट पाकिस्तान ओरिजिन ट्री, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे और भी ट्रीज़ थे, एलिस्टोनिया है, पाम्स की बहुत सारी वैरायटीज़ पाकिस्तान में डेकोरेशन के नाम पर जो है वो लगाई गई। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को स्पेशली वो ट्रीज़ लगाने चाहिए जो कि लोकल हमारे नेशनल ट्रीज़ हैं, हमारे पाकिस्तान के क्लाइमेट और पंजाब के क्लाइमेट के मुताबिक जो है ना वो एडजस्ट करते हैं। तो एक तो हम वो प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल, एक तो हम वो प्रमोट कर रहे हैं उनको, और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जो लाहौर में खाली जगह पड़ी हुई हैं, जैसे अब देखें दरिया रावी के साथ काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई है, हम लोग वहाँ पे लगा रहे हैं। उसके बाद ड्रेन्स के साथ काफ़ी जगह खाली पड़ी हुई है, हम वो लगा रहे हैं। और रिसेंटली 2-3 साल पहले PHA ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसको आप कह सकते हैं मियाँ वाकी, शायद आपके नॉलेज में कोई लफ्ज़ पहले सुना हो आपने, ये मियाँ वाकी। मियाँ वाकी बेसिकली एक टेक्निक है, एक जापानी टेक्निक है, जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम मियाँ वाकी था, ये उनके नाम पर टेक्निक बनाई गई है। इसमें होता यह है कि आप अर्बन फॉरेस्टेशन बनाते हैं, ठीक है, कुछ एरिया लेके किसी ग्रीन एरिया का पार्क में या किसी भी जगह पे आप एक मियावाकी फॉरेस्ट बनाते हैं। उसमें ये होता है कि आप क्लोज प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक जंगल, जस्ट लाइक फॉरेस्ट। तो उसमें आप मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो सॉयल होती है वो सॉयल को आप रिप्लेस करते हैं विद सम मीडिया, जैसे बगास है, जैसे उसमें राइस हस्क होती है, जैसे उसमें फार्मयार्ड मैन्योर वगैरह डाल के। उससे होता यह है कि क्लोज प्लांटेशन और मीडिया की वजह से वो जो प्लांट की ग्रोथ है वो 10 टाइम्स फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू जो यूजुअल हमारी ग्रोथ होती है ट्रीज़ की। अगर आप कभी ट्रैवल करें सगिया इंटरचेंज की तरफ लाहौर में, तो सगिया इंटरचेंज के साथ एक मियावाकी फॉरेस्ट लगा हुआ है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मियावाकी फॉरेस्ट है, और ऑलमोस्ट 8 एकड़ उसका रकबा है। और उसके बाद तकरीबन वहाँ पर कोई 2 लाख के करीब जो है ना वो ट्रीज़ उसमें लगे हुए हैं इस टाइम। PHA ने 54 के करीब जो है मियावाकी फॉरेस्ट लाहौर में लगाए हैं, और इसके अलावा
सर, फ्लड्स के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मेजर इशू है और वो कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे आता है तो वो बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है और डैमेज करता है, तो इस हवाले से कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें या जो आप समझते हैं कि अगर इन एक दो चीज़ों पर काम कर लिया जाए तो इसको बहुत हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है इसके इफ़ेक्ट्स को? अच्छा, फ्लड्स की जो मेन रीज़न है वो भी हमारी रेन्स हैं, जो हमारी रेन्स की जो बेसिकली पैटर्न जो है वो चेंज हुआ और एक्सेसिव रेन्स पाकिस्तान में शुरू हो गई। और अब रेन्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आपका टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल होना चाहिए। आपके टेम्परेचर जब कंट्रोल हो, उसके लिए अगेन फिर हम फिर अगेन प्लांटेशन है। और दूसरी चीज़ इसमें बहुत सारे और भी है, प्लांटेशन के अलावा आप ग्रीन एनर्जी यूज़ करें, आप रिसाइकलिंग पे काम करें, आप हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ हैं जो कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल है। उसके अलावा हम लोगों को एग्रीकल्चर, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सोसाइटीज़ में, फार्म हाउसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ रोकने की ज़रूरत है। फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक चीज़ ज़रूरत है कि हमारे जो हमारे दरियाओं का जो रुख है बेसिकली वो आता है पहाड़ों से। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप पहाड़ों पर जब आपको वहाँ पर ट्री कवर और ग्रीन कवर नहीं मिलता तो वो बेसिकली जो फ्लड बन जाता है वो जो ड्रेन जो है, तो जब आप अपने उन एरियाज़ को जो आपके टॉप के एरियाज़ हैं, जो हिल्स हैं, वहाँ पर आप फॉरेस्टेशन, मुझे याद है किसी ज़माने में मरी में और वो जो आपके नॉर्दर्न एरियाज़ थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो था वो ग्रीन कवर था, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा वहाँ पर कटाई हुई दरख्तों की और टिम्बर माफिया ने चोरी की वहाँ पर, तो वो बिल्कुल खाली हो गए हैं। तो लास्ट कुछ अरसे में गवर्नमेंट ने कोशिश की थी उसको कवर करने की, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और सिंध में मैंग्रोव्स का जो एरिया था उस पर भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पर फ्लड्स की जो मेन रीज़न है वो यही है कि आप दरियाओं के साथ साथ आपके पास काफ़ी जगह खाली है, नहरों के साथ आपके पास काफ़ी जगह खाली है, तो वहाँ पर आपको हाँ ट्री प्लांटेशन करनी चाहिए। और ये चीज़ आप कर सकते हो, काफ़ी कंट्रोल। सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब को मैं डेली सुनता हूँ, रात को सुनता हूँ, और जब भी मैं रात सोने से पहले कोई उनका एक आध लेक्चर लाजमी सुनता हूँ थोड़ा बहुत, और उसमें मुझे जो मोटिवेशन मिलती है और जो मुझे सीखने का मौका मिलता है, यही रीज़न है कि मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, उनका समझ लें कि मैं पैरोकार हूँ, और आई अप्रिशिएट हिज़ वर्क और उनकी डेडिकेशन, उनका बोलने का अंदाज़, उनका इखलाक, उनका समझ लें कि जो नियत है, जो काम से उनकी मोहब्बत है, वो वाकई काबिल तहसीन है। बहुत बहुत शुक्रिया जलील अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से और इस हवाले से जितनी भी प्री प्लानिंग होनी चाहिए उस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की और बहुत सारी तजावीज़ भी दी जिन पर अगर अमल कर लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।